दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत बिहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:50 पर एक तेज धमाका हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये धमाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्कूल की दीवार के पास हुआ। हालांकि अब तक आग लगने या दीवार का कोई बड़ा नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस का कहना है कि इलाके की तलाशी अभियान के तहत गहन जांच की जा रही है। वहीं धमाके की असली वजह का पता लगाने के लिए भी विशेषज्ञों की टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम लगातार मौके पर मौजूद रही और इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। इस दौरान जांच में धमाके वाली जगह पर सफेद पाउडर मिला है, जो अमोनियम नाइट्रेट पोटेशियम का मिक्सचर है। इस धमाके में 6 तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद इस जानकारी ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। कुल मिलाकर ये केमिकल ब्लास्ट था। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत बिहार पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच जारी है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि नई जानकारी हाथ लग सके। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रोहिणी ब्लास्ट की रिपोर्ट भी मांगी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले दिल्ली में आतंकी हमलों को लेकर साजिश की बात भी ही गई थी। उनके सूत्रों से बात सामने आई थी, इसी के चलते सभी क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया था। ऐसे में इस धमाके को लेकर टेरर एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश भर में लगातार फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिल रही है और कुछ महीनों पहले स्कूल को उड़ाने की धमकी भी मिली थी, जिसके बाद आज ये धमाका हुआ है। वहीं धमाके के बाद इलाके में फैली अफरा तफरी के बीच पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने जल्द ही जांच के नतीजों को जल्द सार्वजनिक करने का आश्वासन भी लोगों को दिया है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि इस धमाके के पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से इसकी जांच की जानी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।